रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, सत्र को लेकर भी रणनीति तैयार होगी। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक शुरू होगी। विधानसभा सत्र से पहले ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा में कौन से मुद्दों को किस तरीके से उठाना है, सरकार इस पर भी रणनीति तैयार करेगी। दोपहर 12 बजे का समय तय किया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। भूपेश कैबिनेट की अहम मीटिंग आज होगी। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। हालांकि स्कूल खोलने का प्रस्ताव बैठक में नहीं रखा जाएगा, जो जानकारी इस वक्त है। सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले ये बैठक बुलाई गई है। तो जाहिर तौर पर बैठक में विधानसभा में मुद्दों को लेकर किस तरीके से सरकार का पक्ष होगा, इसको लेकर भी रणनीति तैयार होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। तो लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है। कई अहम प्रस्तावों को लेकर कैबिनेट में चर्चा होगी और विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैठक में विधानसभा के सत्र को लेकर भी रणनीति तैयार होने वाली है और दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। तो रायपुर से आपको लगातार बड़ी खबर बता रहे हैं। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। दरअसल कैबिनेट की मीटिंग आज होने वाली है, भूपेश कैबिनेट की बेहद अहम मीटिंग दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। सुप्रिया पांडे रायपुर से मेरी सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुप्रिया, आज कैबिनेट की मीटिंग होगी, किन अहम प्रस्तावों पर आज चर्चा हो सकती है? जी देखिए, आज भूपेश कैबिनेट की बैठक है और ये बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री समेत तमाम विभागों के मंत्री यहाँ पर शामिल होंगे। वहीं कई ऐसी योजनाएं हैं जो कोरोना काल में बंद थी, उन योजनाओं को संचालित करने को लेकर के भी रणनीति बनाई जा सकती है। इसके अलावा विधानसभा का मानसून सत्र भी नज़दीक है, तो उसे लेकर के कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे। अनुपूरक बजट भी मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा, तो अनुपूरक बजट में कौन कौन से विभागों को कितनी राशि की ज़रूरत है ये भी आकलन किया जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल के पास काफी ऐसे जो कैबिनेट पर प्रस्तावों पर मुहर तो लग चुकी है, लेकिन राज्यपाल द्वारा उन मामलों पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं किए गए हैं, तो ये लंबित मामलों को पर भी विचार किया जाएगा। वहीं लेम्बरो एलिफेंट रिजर्व ये भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर के काफी सियासत छत्तीसगढ़ में जारी है। कहा जा रहा है कि लेम्बरो एलिफेंट रिजर्व का जो क्षेत्र है 4000 वर्ग फुट मीटर है, उसे लेकर के 450 वर्ग फुट किलोमीटर जो है वो कर किए जाने का भी प्रस्ताव पारित हो सकता है। इसके अलावा एक और मुद्दा है, प्रदेश में खाद की लगातार कमी बन रही है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार लगातार मांग कर रही है कि प्रदेश में खाद्य जो है वो पहुंचाया जाए, क्योंकि जिस तेजी से यहाँ पर खेती जो है वो चल रही है, खेती का काम चल रहा है, किसान परेशान है और खाद की कमी भी दूसरी ओर बनी हुई है। तो राज्य सरकार लगातार मांग कर रही है और केंद्र सरकार खाद्य जो है वो नहीं पहुँचा रही है, ऐसा राज्य सरकार का आरोप है। तो इस पर भी जो है बैठक होगी और इस पर भी चर्चा होगी कि आखिर क्या वजह है कि खाद्य की कमी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। वही एक और मुद्दा है, महिला एवं बाल विकास विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अभियान सुपोषण अभियान, जिसे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के नाम से भी जाना जाता है। जो कुपोषित बच्चे हैं उन्हें गर्म और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। कोरोना की दूसरी लहर में ये अभियान पूरी तरीके से बंद हो चुका था, ये मुद्दा भी उठेगा और ये हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर सुपोषण अभियान शुरू हो जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुप्रिया। तो विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट की मीटिंग होगी।